हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेकराजपूत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ विप्रो का ये टेबल लैम्प, जो मैं आपको इसका पहले मॉड्यूल नंबर दिखा देता हूँ इसका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, यह है विप्रो गार्नेट 6 वाट LED टेबल लैम्प। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो MRP है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका MRP लिखा हुआ है यहाँ पे 1500 रुपीज, लेकिन मुझे ये अमेजोन से मिला है 1049 रुपए। ठीक है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसको ख़रीदा है। तो मैं आपको पहले इसका कवर अच्छे से दिखा देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं ऊपर इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने विप्रो ने अपना ब्रांडिंग दे रखा है। यहाँ पे उनका ये गार्नेट सीरीज का है, 6 वाट इन्होंने इसका वाटेज दे रखा है। यहाँ पे इसके फीचर्स दे रखे हैं इसने, सॉफ्ट एंड ग्लेयर फ्री लाइट, ठीक है, फिर एडजस्टेबल डिज़ाइन, ठीक है, फिर इजी टच कंट्रोल, ठीक है, और 3 लेवल डीमिंग। तो मैं ये अभी आपके सामने सारा कुछ चला के भी दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसा है ये, और मैं खुद भी देख लूँगा, मैंने भी नहीं देखा इसका पहले। तो मटेरियल इसका देखिए दोस्तों, ABS लिखा हुआ है। ABS प्लास्टिक का कैटेगरी होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है उससे काफ़ी अच्छा होता है। वो अभी हम इसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो हमें वैसे समझ में आ जाएगा। पावर इन्होंने 6 वाट लिख रखा है। वोल्टेज इन्होंने 220 से 240 जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो दे रखा है इन्होंने। और कलर टेम्परेचर इन्होंने फुल वाइट दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने इन्होंने अपना फोटो दिखा रखा है। बाकी अगर हम इस साइड देखें तो इस साइड पे वो सिंपल वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है। 1 ईयर वारंटी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो वारंटी का मैंने आपको दिखा दिया। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 2018, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने अब इसको अनबॉक्स कर देता हूँ, देखिए कैसा है विप्रो का प्रोडक्ट। मुझे बाकी प्रोडक्ट भी मिल रहे थे फिलिप्स के इस रेंज में, लेकिन फिर मैंने फिलिप्स का नहीं खरीदा, मैंने विप्रो का खरीदा। मैंने सोचा कि चलो विप्रो का एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो मैं आपके सामने ही अनबॉक्स कर देता हूँ। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का कुछ ये डॉक्यूमेंट्स है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये। इसका मॉडल दे रखा है इन्होंने, मॉडल D9306665 है ये मॉडल है इसका, ठीक है। और इन्होंने जो कॉशंस वगैरह है उन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे पीछे। चलिए डॉक्यूमेंट पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या है इसका देख लेते हैं हम, इसमें कुछ दिखाई से दे रहा है। चलिए खोलता हूँ इसको मैं। तो दोस्तों, ये जो मुझे लग रहा है, लगना क्या है, ये जो है आपका पावर केबल है जो हमारे लैंप को सप्लाई देगा। एडाप्टर है इसका, वो काफ़ी अच्छा मोटा सा एडाप्टर है बिल्कुल। और इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक लग रही है, अच्छा है। वायर का लेंथ देख लेते हैं एक बार, वायर का लेंथ मैं आपको दिखा देता हूँ कितना लंबा है। वैसे जनरली मैंने जो पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था 2 मीटर है वायर का लेंथ, बाकी हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये दोस्तों 2 मीटर लग रहा है, बिल्कुल ही 2 मीटर लग रहा है, ठीक है। तो वायर का लेंथ 2 मीटर है, लंबा है काफ़ी। और इस पे विप्रो की ब्रांडिंग दे रखी है, विप्रो का एडाप्टर है, ठीक है। ये इसका जो है वो ट्यूब लगी है, ठीक है। तो ये 3-वे नहीं है, इसमें अर्थ का नहीं है सिस्टम को। चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब जो हमारा मेन कंटेंट आता है वो हमारे बॉक्स में पैक है। तो ये था इसका सपोर्टिंग मटेरियल था, और ये है हमारा, और हमारे बक्से में और कुछ भी नहीं है, बक्सा है खाली। तो अब निकालते हैं अपने टेबल लैंप को। और भैया ये इसका डिज़ाइन काफ़ी शाइन कर रहा है, तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा लैंप। ओहो, और ये बिल्कुल एडजस्टेबल है, बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्टेबल है, बिल्कुल फर्म है। चलिए मैं इसका प्लास्टिक भी निकाल लेता हूँ, ऊपर से निकाल लेता हूँ इसका प्लास्टिक। तो ये है इसका पूरा डिज़ाइन, इसका मैं आपको बल्ब भी दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। तो
सो इसका वेट जो मैंने देखा था और जब ऑर्डर करते थे उसमें तो 0.44 kg दिखा रहा था, तो ये हाफ के जी का लग भी रहा है, ये सॉलिड सा है काफ़ी, और मैं इसको चला के देखना चाहूँगा एक बार। फिलहाल मैं आपको इसको अच्छे से आपको बिल्ड क्वालिटी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे विप्रो लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बटन है जो 3D डिमिंग का काम करती है, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी चला के, देखते हैं कैसे काम करता है ये। बाकी यहाँ पे जो अडेप्टर है, यहाँ पे इनपुट होगा अडेप्टर का, DC 24 वोल्ट में वो कन्वर्ट कर देगा अडेप्टर हमारे, AC से DC में कन्वर्ट करके इसको चलाएगा। और बाकी इसका, बाकी इसके बल्ब की बात की जाए तो मैं इसको थोड़ा, देखिए ये बिल्कुल एडजस्टेबल है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने वैसे आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी। बाकी मटेरियल इसका ABS प्लास्टिक बना हुआ है, ठीक है। और ये इसका बल्ब देख लीजिए आप एक बार, बल्ब की क्वालिटी देख लीजिए, ठीक है। तो बल्ब के अंदर जो छोटे छोटे LED लगे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। और मुझे इसका ये नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ जो है वो कितनी टिकाऊ होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी फ्लेक्सिबल लग रही है। अच्छा, यहाँ पे तो ये रिजिड है बिल्कुल, यहाँ से ये नेक के पास से फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये नेक के पास से फ्लेक्सिबल लग रहा है। बाकी इसका जो पैड है, ये नीचे वाला, ये वाला पोर्शन स्लिक है बिल्कुल, शाइनी है। तो ये ABS प्लास्टिक है, और इसके नीचे का चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। नीचे इसका विप्रो का ब्रांडिंग दे रखा है, और वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर, मैन्युफैक्चरिंग दे रखा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं नीचे। बाकी QC पास लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। तो ये है हमारा विप्रो का टेबल लैम्प। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको सप्लाई देने की, फिर मैं आपके सामने इसको टेस्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैंने इसे पावर कोड को मैंने पीछे से कनेक्ट कर लिया, मैं आपको सामने दिखाऊंगा कि ये चलता कैसे है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसके जो टच पैड इन्होंने पावर बटन का दे रखा है उसको मैं दबाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने दबाया, तो मैंने सिंगल प्रेस किया, बिल्कुल टच किया उस पर, तो ये इनका पहला मोड है, ठीक है। आप फोकस जो है देख सकते हैं इधर की ओर, काफ़ी लाइट है इसमें, ठीक है। अब ये पहला इसका मोड था, ठीक है। अब मैं इसको दूसरा बार टैप करने जा रहा हूँ, तो ये देखिए इसका सेकेंड टैप है, और ये इसका थर्ड टैप है। तो ये आपका जैसा भी आपका मूड है, जैसा भी आपको लाइटिंग कंडीशन चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें एक दोस्तों मैंने अभी तुरंत ही एक चीज ये देखा कि अगर आप इसको प्रेस करके रखोगे, वार्म लाइट है ये बिल्कुल, तो इसके 3-way डीमिंग है ये। अब देखिए एक चीज़ और इसमें कि अगर आप इसको प्रेस करके रखे रहोगे तो ये कम, और प्रेस करके रखे रहोगे तो ये ज़्यादा बढ़ते जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए फिलिप्स वाला मैंने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसमें ये सारे फीचर नहीं थे, वो बिल्कुल सिंपल था, जितना वो जलेगा उतना ही जलेगा, ठीक है। तो इसमें ये डीमिंग वाले फीचर और वार्म लाइट का, कूल लाइट का, ये वाले फीचर्स नहीं थे उनमें, तो इसलिए मैंने इस लैम्प को ख़रीदा ताकि मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकूं, ठीक है। तो ये रूम का जो है वो खूबसूरती भी बना कर रखेगा, और पढ़ाई लिखाई के लिए भी ठीक रहेगा। तो ये था दोस्तों इसका टेस्टिंग, और ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। और ज़्यादा कुछ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए दोस्तों, मैंने जो जब इसको ख़रीद रहा था तब मैंने एक चीज़ पढ़ा था इसमें कि इसका जो CRI है, CR जो होता है वो कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है, तो वो ग्रेटर देन 80 है। तो उससे क्या होता है कि आप इसके नीचे अगर कोई कलर को देखोगे, अगर आप इसके नीचे, इस बल्ब के नीचे अगर किसी लाइट कलर को देखते हैं, तो वो एक्चुअल कलर के कितने, मतलब रियलिस्टिक तरीके से आपको दिखाई देता है, वो होता है CRI, ठीक है। तो अगर रेड है तो आपको रेड इस बल्ब के नीचे कितने अच्छे तरीके से रेड दिखाई देगा, तो ये चीज़ होती है CRI का, तो वो ग्रेटर देन 80 है इसका। तो एक चीज़ मैं ये आपको बताना भूल गया था, तो मैंने अभी आपको बता दिया। बाकी दूसरी चीज़ जो ABS प्लास्टिक होती है, उसका बिल्ड क्वालिटी और शाइनिंग वगैरह अच्छा होता है, तो ये इसमें यूज़ किया गया है। अब देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा प्रोडक्ट का, आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। और मेरा चैनल एक राजपूत है, तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे अनबॉक्सिंग हो गया, रिव्यू हो गया प्रोडक्ट के, किसी वेबसाइट के बारे में, मैंने ऑनलाइन लर्निंग वगैरह पर वीडियो डाल रखा है, तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।